हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून एग्जाम के बारे में। सो आप सभी को बता दूं, आपके जो है जून के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अगर आप सभी को नहीं पता है तो आपको बता दूं, अभी के लिए जो है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट आपको बता दूं अभी जो है ऑफिशियल न्यूज ये आ रही है कि इग्नू के जो है आपके जून के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए। साथ ही आपके वाइस चांसलर भी आज फेसबुक पे आए थे, जहां पे उन्होंने इस टॉपिक पे बात करी थी। सो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जो है बात करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने जो है हिंदुस्तान टाइम्स को जो है ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए आपका जो एक न्यूज आई है, इग्नू जून टर्म एंड एग्जाम 2020 पोस्टपोन, न्यू स्केड्यूल टू बी अनाउंस लेटर। सबसे पहले आपको बता दूं कि अब आपका जो है कंफर्म हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट्स अपने जून में एग्जाम देने वाले थे, अब जो है उनके एग्जाम जून से जो है नहीं होने वाले। इसका रीजन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको ही पता ही होगा कि आपका जो है लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है 17 मई तक, एंड आगे भी जो है चांसेस है कि आपका लॉकडाउन जो है आगे भी एक्सटेंड होगा। सो इसमें आपको बता दूं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है बिल्कुल भी, अब सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है, तो इसी चक्कर में जो है लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन आपका आगे भी एक्सटेंड होगा। सो इसी रीजन की वजह से आपके जो है जून के एग्जाम को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड आगे देखिए नीचे सेकंड लाइन जो इसमें लिखी हुई है कि न्यू स्केड्यूल टू बी अनाउंस लेटर, इसका मतलब क्या है? सो आपको बता दो, आपका जो है न्यू स्केड्यूल अभी तक के लिए अनाउंस नहीं किया गया, यानी कि अगर अभी आपको ये नहीं बताया गया कि आपका एग्जाम जो है दोबारा कब होंगे, अगर जून में नहीं तो आपका एग्जाम जो कब होंगे ये चीज अभी नहीं बताई गई है, इसको जो है बाद में बताया जाएगा। बिकॉज अभी के लिए कोई भी कंफर्मेशन डेट नहीं है कि आपका लॉकडाउन जो है कब खत्म होगा। अभी जो है आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मई के बाद भी आपका लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, और कब तक होगा कोई नहीं जानता। इस बात को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको अगस्त सितंबर तक जो है कोविड-19 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन वगैरह सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा, तो अब उस टाइम पे जो आपका एग्जाम हो सकता है। पर इसका जो अभी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, ये भी सिर्फ हम एज्यूम करके बता रहे हैं कि आपका अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाएगा, बट इसके लिए कोई भी कंफर्मेशन डेट अभी इग्नू ने नहीं बताई है। तो देखिए इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जो है सिंपली ओपन कर सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप नीचे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली लाइन ही लिखी हुई कि मंडे को डिसाइड किया गया था कि आपके जो है एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, जो भी एग्जाम आपके जून को होने वाले थे। नीचे आप पढ़ सकते हैं, प्रेस रिलीज में आपके वाइस चांसलर ने आपको बताया कि आपके जब भी एग्जाम होंगे कैंसिल कर दिए गए हैं, बिकॉज सिचुएशन आप देख सकते हैं अभी के लिए क्या चल रही है। और नीचे देखिए एक लाइन और लिखी हुई है, एंड द स्टूडेंट विल बी इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट 15 डेज इन एडवांस। जब भी आपके एग्जाम होंगे, मान लीजिए अभी जून में आपके एग्जाम नहीं हो रहे, अगर आपके एग्जाम कभी भी होते हैं सेप्टेम्बर में होते हैं, तो आपको जो है 15 डेज पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके जो एग्जाम कब हो रहे हैं, 15 डेज पहले आपकी जो डेट शीट रिलीज कर दी जाएगी। तो उस बात के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी आपके इग्नू में एग्जाम होंगे उससे 15 डेज पहले, एटलीस्ट 15 डेज पहले जो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पढ़ सकते हैं, नीचे आपको कुछ और डेट्स वगैरह भी लिखी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके वाइस चांसलर जो है ट्यूजडे को लाइव भी आए थे, यानी कि आज ही है ट्यूजडे, तो आज ही आपके वाइस चांसलर जो है 10 बजे लाइव आए थे। एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं काफी सारी डेट्स वगैरह भी लिखी हुई है आपके असाइनमेंट सबमिशन की, एग्जाम फॉर्म की, एंड डी एडमिशन की। तो इसका ऑफिशियल, इसका आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी न्यूज नहीं आई है, बट वो भी जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ये न्यूज जो है पूरी 100% कंफर्म न्यूज है, तो ये जो है कोई रूमर्स वगैरह नहीं है, या फिर कोई रूमर्स वगैरह जैसे कि फैलते रहते हैं कि आपके एग्जाम जो सितंबर में होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी के लिए सितंबर में या फिर अगस्त में एग्जाम के लिए वो यूजीसी ने सजेशन रखे थे, तो अभी के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो आपको बता दूं, अभी ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन आपको नहीं मिली है कि आपके एग्जाम जो है कब होंगे, सिर्फ यही अभी के लिए बताया गया कि आपके जून के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए।